कई माँ बाप ऐसे होते हैं, कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो दिलो जान से अपने बच्चे के साथ होते हैं, वो अपने बच्चे को मारते भी नहीं है, वो अपने बच्चे को पीटते भी नहीं है, कभी कभी हुआ कह दिया कुछ गुस्से में, तो बच्चा कई बार ना अपने माँ बाप का फायदा उठा, पैसे का गलत इस्तेमाल, झूठ बोल के पैसा लेना, फोन का गलत इस्तेमाल, मतलब जो माँ बाप अपने बच्चे को ना ये बोल के चलते है ना, जो माँ बाप अपने बच्चे को ये बोल के चलते हैं, देख बेटा हम तो पढ़ नहीं पाए, तू पढ़ लियो, फिर वो बच्चा कहता है मुझे ये किताब लेनी है, पैसे दे दो, माँ बाप पैसे दे देते हैं, तो उन माँ बाप के शब्द मैंने सुने, वो कहते हैं बेटा हम पैसे ही दे सकते हैं, बेटा पढ़ लियो, बेटा पढ़ लियो, बेटा पढ़ लियो, बेटा पढ़ लियो, वो बेटा या बेटी अगर उस माँ बाप का नाजायज फायदा उठाते हैं ना, बेटा मेरे से लिख के ले लो, अपनी उम्र में तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओ, इस बात को याद रखना, क्योंकि वो माँ बाप जो बेचारे भगवान के समान है और वो एकदम अंधा विश्वास तुम पर करके चल रहे हैं, एकदम अंधा विश्वास, ठीक है, जो तुमने बचपन में उन पे किया था, होता ना एक छोटे बच्चे को आप ऊंचाई पे खड़ा कर दो दीवार पर और आप कह रहे हो आ जा बेटा, तो वो कूद जाएगा, इतना विश्वास है उसे तुम पर, उस बच्चे को अपने मां बाप पर इतना विश्वास होता है, पापा नीचे कहते हैं आ जा बेटा, तो तुरंत उसकी गोदी में, अपने पिता की गोदी में कूद जाता है, इतना भरोसा है कि हाँ उसके पापा उसे पकड़ेंगे, बेटा यही भरोसा उल्टा हो जाता है, मां बाप फिर बच्चे पे कर रहे होते हैं, हम इस पे पैसा लगा रहे हैं, हाँ ये पढ़ रहा होगा आगे जाके कुछ बनेगा, इन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं भाई, बेटा अगर ऐसे मां बाप का भरोसा तोड़ोगे ना, पछताओगे, बुरे पछताओगे, लाइफ में कभी कुछ नहीं हो, कई मां बाप ऐसे होते हैं जो बच्चे पर पैसा भी लगाते हैं, हाँ उन्हें समझ भी होती है, तो अपने बच्चे को कूट भी देते हैं, समझा भी देते हैं, अरे तू झूठ बोल रहा है, तू ये थोड़ी ना कर रहा है, फोन में क्या कर रहा था तू, उसने बोला पढ़ रहा था, कहता दिखाइयो, तू तो तुरंत जाके शॉर्टकट में भी चेक कर लेंगे, हाँ कहाँ पढ़ रहा था भाई, खुला तो तेरा इंस्टाग्राम हुआ है रिसेंटली, अभी देख रहा हूं मैं सीन तेरा इंस्टाग्राम का है, तो तू पढ़ कहाँ रहा था, तो ऐसे माँ बाप को तो पता है, वो बच्चे को कूट भी सकते हैं, बट उन माँ बाप का क्या, जिनको इंस्टाग्राम ही नहीं पता क्या होता है, जिनको पता ही नहीं पबजी क्या होता है, उनको विश्वास है कि उनका बच्चा पढ़ रहा होगा, तो बेटा दोनों सचेत रहो, जिन माँ बाप को पता है कि बच्चा क्या क्या गलत काम कर सकता है वो तो कूट वूट के सुधार लेंगे, बट बेटा उन माँ बाप का क्या जो आप पर अंधा विश्वास कर रहे हैं, तो कभी भी किसी को भी धोखा दे देना, ऐसे माँ बाप या ऐसे इंसान को कभी भी लाइफ में धोखा मत देना बेटा जो तुम पर अंधा विश्वास कर। अब बात कर लेते हैं गुरु की यानी कि टीचर की, ऐसा ही गुरु होता है, सबको बराबर पढ़ाता है, दिलो जान से पढ़ाता है, बेटा ऐसा तो नहीं है ना इस बैच में अच्छा पढ़ा दें अगले में अच्छा नहीं पढ़ाएं, ऐसा तो नहीं करता ना, वो सबको अच्छा पढ़ाता है, ऐसे ही बच्चे गुरु को धोखा देते हैं, हाँ सर रिवाइज कर लूंगा किया नहीं, और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं आपको आपकी कोर्स फी मिल तो गई अब टेंशन क्या है, कई बच्चे ऐसा भी बोलते हैं बेटा, आमने नहीं बोलते भाई बाद में ही बोलते, ठीक है, कितनी बार ऐसा होता है कि अगर कोई भी टीचर उन्हें क्लास में बुरी क्लास में बुरे तरीके से डांट दे, ठीक है तो दोस्त को बुराई करेंगे टीचर की, सामने तो नहीं करेंगे दोस्त को बुराई करेंगे, ठीक है बेटा ऐसे बच्चे भी बर्बाद होने तय, क्योंकि एक इंसान जो तुम्हारा अच्छा चाहता है और तुम उसी के खिलाफ बोल रहे हो, उसी माँ बाप या उसी टीचर के खिलाफ बोल रहे हो कि माँ बाप ने थप्पड़ मार दिया, गुरु ने थप्पड़ मार दिया, तो बच्चा उन्हीं को बोल रहा है, तो ये चीज भी याद रखना, मतलब तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो गई है, क्योंकि जो लोग तुम्हारी भलाई के लिए लगे पड़े हैं तुम उल्टा उन्हें ही कोस रहे हो, तो इन शॉर्ट अपनी बातों को अगर मैं रखूं तो मेरे दोस्त इस दुनिया में आपके माँ बाप आपके सच्चे दोस्त हो या सच्चे रिश्तेदार हो, अच्छे रिश्तेदार अच्छे पड़ोसी या अच्छा गुरु, ठीक है आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, प्लीज उनका साथ दें, ठीक है, और अपने दिमाग को शांत रखें, समझ आई, दिमाग में आई थिंक बैठी होगी, और भाई ये मैंने अपनी लाइफ में आजमाया है, मैंने हर वो इंसान मेरे दोस्त थे यार ऐसे जिन्होंने गलत फायदा उठाया अपने माँ बाप का, क्या तुम्हारे दोस्त गलत है तुम्हें नहीं पता है वो अपने माँ बाप का फायदा उठा रहे हैं, पता है ना तुम्हें वो कोर्स फी ज्यादा बताते हैं जबकि होती कम है, पता है ना तुम्हें, तो कई बच्चे तो यहाँ ऑफलाइन क्लास का खुलने का इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि आएंगे मटरगस्ती चालू हो जाएगी उनके घर से दूर हो जाएंगे, कई बच्चे बेचारे इंतजार में है कि भाई लाइब्रेरी खुलेगी तो हम पढ़ लेंगे, तो अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं, तो तुम्हें भी तो पता है तुम्हारा तो कौन सा दोस्त कितने पानी में है, तुम्हें सब पता है बेटा, एक दोस्त को तो दूसरे का पता होता है, तो ऐसे दोस्तों को आज ही छोड़े उन्हें बढ़ावा मत दो, तुम क्या करते हो कहते झूठ बोल के पैसा लाया चल पार्टी, हाँ बेटा तुम भी पाप के भोगी बन रहे हो, हराम का पैसा हमें नहीं खाना, तो दो चार समोसे के चक्कर में ना और दो चार पिज्जा बर्गर के चक्कर में अपना ईमान मत बेचना, दूर ऐसे दोस्तों से कट ऑफ करो, गंदगी से जितना दूर रहोगे अच्छा है, और अगर आप में से भी कोई ऐसा करता है तो सुधरे, कामयाबी तभी मिलेगी, ठीक है जी।